बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यूनुस भट्टी और आप लोग देख रहे हैं टुडे सऊदी रियाल रेट यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सऊदी अरब की कौन कौन सी बैंक ऐसी हैं जो कि आपको पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, बांग्लादेश के लिए और नेपाल के लिए सबसे ज़्यादा रियाल रेट जो है वो दे रही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत सारी बैंक्स जो हैं वो देखेंगे और मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लिहाज से जो है वो भी देखेंगे। तो इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए और सबसे पहले रियाल रेट का रेट जो है वो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल का आइकन है उसे भी दबा दें। तो बिना टाइम टू वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। जज़ाकल्लाह। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एंजाज बैंक की। एंजाज बैंक का पाकिस्तान के लिए आज का रेट है वो है 40 रुपये और 99 पैसे। इंडिया के लिए एंजाज बैंक का आज का रेट दे रही है 18 रुपये और 78 पैसे। बांग्लादेश के लिए एंजाज बैंक का आज का रेट है 22 टका और 3 पैसे, जबकि नेपाल के लिए एंजाज बैंक आज का रेट दे रही है 29 रुपये और 30 पैसे। इसी तरह अगर हम बात कर लें फौरी बैंक की, तो फौरी बैंक का पाकिस्तान के लिए आज का रेट है 40 रुपये 92 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक आज का रेट दे रही है 18 रुपये और 72 पैसे। बांग्लादेश के लिए फौरी बैंक का आज का रेट है 22 टका और 38 पैसे, जबकि नेपाल के लिए फौरी बैंक आज का रेट दे रही है 30 रुपये और 14 पैसे। उसी के साथ ही अगर हम बात कर लेते हैं टेली मनी की, तो टेली मनी का पाकिस्तान के लिए आज का रेट है वो 41 रुपये और 35 पैसे। इंडिया के लिए टेली मनी आज का रेट दे रही है 18 रुपये और 66 पैसे। बांग्लादेश के लिए टेली मनी का आज का रेट है 22 टका और 25 पैसे, जबकि नेपाल के लिए टेली मनी आज का रेट दे रही है 30 रुपये और 43 पैसे। इसी के साथ ही अगर हम बात कर लें क्विक पे की, तो क्विक पे का पाकिस्तान के लिए आज का रेट है वो है 40 रुपये और 53 पैसे। इंडिया के लिए क्विक पे आज का रेट दे रही है 18 रुपये और 56 पैसे। बांग्लादेश के लिए क्विक पे का आज का रेट है 21 टका और 98 पैसे, जबकि नेपाल के लिए क्विक पे आज का रेट दे रही है 28 रुपये और 20 पैसे। और इसके साथ ही अगर बात कर लीजिए अल-राजी बैंक की, तो पाकिस्तान के लिहाज से आज का रेट मिलेगा 40 रुपये और 88 पैसे। इंडिया के लिहाज से 18 रुपये और 18 पैसे। बांग्लादेश के लिहाज से 22 टका और 41 पैसे, जबकि नेपाल के लिहाज से अल-राजी बैंक आज का रेट दे रही है 29 रुपये और 46 पैसे। और इसी के साथ ही अगर हम बात कर लें एक्सिस मनी की, तो पाकिस्तान के लिहाज से एक्सिस मनी का आज का रेट है 40 रुपये और 88 पैसे। इंडिया के लिहाज से एक्सिस मनी आज का रेट दे रही है 18 रुपये और 88 पैसे। बांग्लादेश के लिहाज से आज का रेट मिलेगा 22 टका और 41 पैसे, जबकि नेपाल के लिहाज से एक्सिस मनी आज का रेट दे रही है 29 रुपये और 46 पैसे। और इसी के साथ ही अगर हम बात कर लें वेस्टर्न यूनियन की, तो पाकिस्तान के लिहाज से आज का रेट मिलेगा 40 रुपये और 61 पैसे। इंडिया के लिहाज से वेस्टर्न यूनियन आज का रेट दे रही है 18 रुपये और 81 पैसे। बांग्लादेश के लिहाज से वेस्टर्न यूनियन का आज का रेट मिलेगा 22 टका और 49 पैसे, जबकि नेपाल के लिहाज से वेस्टर्न यूनियन आज का रेट दे रही है 30 रुपये और 41 पैसे। और इसी के साथ ही अगर हम बात कर लें मनीग्राम की, तो पाकिस्तान के लिहाज से आज का रेट मिलेगा 40 रुपये और 95 पैसे। इंडिया के लिहाज से 18 रुपये और 72 पैसे। बांग्लादेश के लिहाज से 22 टका और 18 पैसे, जबकि नेपाल के लिहाज से 30 रुपये और 14 पैसे। और अगर हम बात कर लें रियाज बैंक की, तो पाकिस्तान के लिहाज से आज का रेट मिलेगा 40 रुपये और 95 पैसे, जबकि इंडिया के लिहाज से रियाज बैंक आज का रेट दे रही है 18 रुपये और 83 पैसे। और इसी के साथ ही अगर हम बात कर लें सऊदी रिसाल की, तो पाकिस्तान के लिहाज से आज का रेट मिलेगा 40 रुपये और 30 पैसे, जबकि इंडिया के लिहाज से सऊदी रिसाल आज का रेट दे रही है 18 रुपये और 61 पैसे। तो ये थी हमारी आज की ताज़ा तरीन रियाल की अपडेटेड वीडियो। तो हमारे चैनल टुडे सऊदी रियाल रेट को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और साथ में जो बेल का आइकन है उसे भी लाजमी दबा देना है और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है। जज़ाकअल्लाह।